अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास केमिस्ट्री है क्लास टेंथ की, जी हाँ क्लास टेंथ के प्रैक्टिकल की वीडियोस बनाना शुरू कर दी है, सुबह तक सारी अपलोड कर दूंगा। तो चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जल्दी से करो और वीडियो को लाइक करो, शेयर, कमेंट सब कुछ कर लो। अच्छा जी, यहाँ पे हम आ जाते हैं, हमारे पास केमिस्ट्री आ गई SSC2। तो इन्होंने ये सीन किया है कि अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग की, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं मार्कर ले लेता हूँ और आप लोगों को एक चीज़ सुना देता हूँ जो आप लोगों को शायद पता भी होगी, जिनको नहीं पता वो सुन ले। प्रैक्टिकल कॉपी नहीं है, वाइवा वॉइस नहीं है आप लोगों का भी। अच्छा, प्रैक्टिकल ये हैं, डेफिनेटली आपने 9 के नहीं दिए तो आप किस चक्कर में हो गए, आपका PBA हो जाए तो वो नहीं होगा सीन। आप लोगों को 19 प्रैक्टिकल्स की लिस्ट दे दी गई है जिसमें से आप लोगों ने 19 के 19 करने हैं। और आगे आप लोगों को कहानी में बताता हूँ कि क्या होती है, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे प्रैक्टिकल नोटबुक और वाइवा वॉइस। प्रैक्टिकल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हज़ारों हज़ारों रुपये ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्रैक्टिकल और वाइवा की जगह आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके नंबर होंगे 6, और इन 4 क्वेश्चनों में से कोई से 3 का आपने जवाब देना होगा। देयर विल बी चॉइस आउट ऑफ 4। तो 3 क्वेश्चन, जिस तरह अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय विच रिएक्शन, इसी तरह फ्लेम टेस्ट इज़ यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटल आयन, व्हाट कलर ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम आयंस, और इसी तरह कैपिलरी ट्यूब इज़ यूज फॉर व्हाट पर्पज़। तो इसका आप लोगों ने लिखना होगा, राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ 2 सॉल्ट्स हुज सॉल्यूशन आर एसिडिक इन नेचर। बाकी जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा वो लास्ट ईयर की रूटीन पे होगा, जिस तरह पहले आप लोग का होता था। सिर्फ प्रैक्टिकल कॉपी नहीं है और वाइवा वॉइस नहीं है, बाकी आपकी वही प्रैक्टिकल कॉपी है, वीडियोस हुई हुई हैं अपलोडेड, और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आप लोग को वीडियोस देख के, क्योंकि सॉल्यूशन के साथ अपलोडेड है। मैं अभी आप लोगों को सारी कहानी समझाता हूँ वो कैसे आपने ढूंढनी है इसी चैनल पर। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल वाला आप लोगों लोग कर लो, उसके बाद नेपथिलीन वाला भी देख लेना है। इसके बाद ये हमारे पास NaOH वाला है, HCl वाला है, ये दोनों लाजमी करने हैं। स्टैंडर्डाइज वाला NaOH HCl, और उसके बाद ये फ्लैंग वाला टेस्ट। इसके बाद हमारे पास और कौन सा है इसमें से, KMnO4, ये मैंने सारे हल कराए हुए हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर, एसिड बेस इज न्यूट्रल, फ्लेम टेस्ट, तो ये मैंने कुछ आप लोगों को हाईलाइट करा दिए हैं, बाकी आप लोगों ने देख लेने हैं। लेकिन मैंने ये आप लोगों को जो हाईलाइट कराए हैं ये मैंने कराए हुए भी हैं, फेलेंट टॉलेंट टेस्ट और ये सारा कहानी। अब ये जो कहानी ये आएगा आप लोगों का पेपर पिछले साल के पैटर्न के मुताबिक, पिछले साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, ब्ला 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 सब कुछ। पहली बार यूट्यूब चैनल पर मैं लेके आया था पूरी यूट्यूब में, प्रैक्टिकल्स के जो पेपर थे फेडरल बोर्ड के वो कहीं भी रिवील नहीं हुए थे यूट्यूब पे। बच्चों को तो देख के पता आ जाता था, क्वेश्चन पेपर पहली बार मैंने अपने यूट्यूब पे अपलोड किए थे 2022 में और 2023 में। इससे पहले यूट्यूब पे किसी टीचर किसी कुछ के पास नहीं था, सब कुछ ने फिर बाद में कॉपी पेस्ट लगाए और अपने चैनलों पे अपलोड मार लिए। तो ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैंने आप लोगों को प्रॉपरली हल भी कराए हुए हैं प्रैक्टिकल्स। तो ये प्रैक्टिकल बता दिए मैंने आपको, केमिस्ट्री का पेपर इसी तरह होगा, पुराना पैटर्न फॉलो हो जाएगा, सिर्फ प्रैक्टिकल कॉपी नहीं बनानी और वाइवा के क्वेश्चन को रट्टा नहीं मारना, वही रट्टा इधर मारोगे ना, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, बात वहीं की वहीं आ गई। तो अब आते हैं अपने YouTube चैनल पे, अगर कंप्यूटर पे इसको खोल के लैपटॉप पे तैयारी करो तो वेल एंड गुड है, आप लोगों के पास ये सर्च का छोटू सा बटन मिलेगा। कई लोगों के जो जदीद मोबाइल हैं उन पे भी ये सर्च का बटन है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या सर्च करना है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, अभी गौर से सुनना। यहाँ पर आप लोग केमिस्ट्री 9 और प्रैक्टिकल, नहीं 10 है ना, 9 कैसे लिखोगे, 9 के तो होंगे ही नहीं, 9 के तो अभी आए हैं, केमिस्ट्री 10 प्रैक्टिकल लेके मैं इधर एंटर बटन प्रेस कर देता हूँ तो आप लोगों के पास केमिस्ट्री 10 प्रैक्टिकल पेपर एग्ज़ाम 2023 की वीडियो है, 10 महीने पहले अपलोडेड है। HCl और NaOH वाला जो आपका एग्ज़ाम है, 27 मिनट की वीडियो विद सॉल्यूशन विद एवरीथिंग अपलोडेड है, कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को प्रैक्टिकल कापी कुछ ख़रीदने की, सारा कुछ PDF फॉर्म में अंदर वीडियो गिवन है।
अगेन हमारे पास एन ए सी सी एल और एन ए एच वाला ये वही वीडियो है आई थिंक सो 2022 में भी 23 में भी। मैं कोशिश करूँगा यार अपलोड दोबारा कर दूँ क्योंकि बच्चों को ढूंढना मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास केमिस्ट्री 10 का जो एग्ज़ाम है इसकी जो लिस्ट है 2023 वाली ये भी आपने देखनी है, इसमें भी इंपॉर्टेंट जो मार्कर हैं वो भी करने हैं। केमिस्ट्री 10 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पेपर, ये प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर से मैंने समझा के आप लोगों को कराया हुआ है। केमिस्ट्री 10 प्रैक्टिकल कॉपी एंड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 2023 वाली वीडियो भी आपने देखनी है। मैं कोशिश करूँगा सारी को एक बार दोबारा अपलोड मार दूँगा ताकि जो नए आने वाले बच्चे हैं 2024 के वो भी देख लें, क्योंकि एग्जैक्टली सेम चीज़ें हैं। तो आप ये मत बोलना सर ये तो 2023 की वीडियो थी हम इसको देख सकते हैं, कैसे फजूल सवाल है यार ये। आप लोग के नीचे कमेंट्स में 10th क्लास के बच्चों ने फिजिक्स की बार भी किए कि ये तो पिछले साल वाली आप लोगों ने वीडियो अपलोड कर दी है। तो जाहिर बात है मैं जब एक चीज़ देख रहा हूँ मैं सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम बताए हैं सिमिलरली वही क्वेश्चन इस साल अगर बनते हैं तो तभी तो मैं करता हूँ। सारे सब्जेक्ट्स में तो मैंने ऐसा नहीं किया, जहाँ पे मैं करता हूँ उसके पीछे कोई लॉजिक होती है, कोई रीज़न होती है। आप लोग ऐसे ही नीचे वो कमेंट्स शुरू कर देते हैं, तो सोच समझ के ये चीज़ किया करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है बेशक 2024 हो या 2027 हो, जिस तरह आप लोग 2006 की किताबें अभी तक 2024 में पढ़ रहे हो तो वो नहीं पुरानी होगी, फिर आप कहो ना हमें तो नई किताबों से वो देने। तो ये सारी कहानी होती है इसको समझा करो। फजूल मैं नीचे 2024 का टैग लगा के जो लोग अपने पास से फजूल चीज़ें अपलोड कर देते हैं तो मैं ये काम नहीं करता, मैं वही अपलोड कर देता हूँ टैग आगे ऊपर 2024 का, अंदर वीडियो के तो नहीं लगा रहा होता। तो ये बार बार एनर्जी ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं होती, वैसे ही भी हर किसी का टाइम इंपॉर्टेंट है तो मेरे भी और हज़ार काम होते हैं। इस तरह प्रैक्टिकल नोटबुक का अगेन आप लोग के साथ एग्ज़ाम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के प्रॉपर बोर्ड के पेपर हैं, ये फेडरल बोर्ड के पेपर फर्स्ट टाइम जो मैंने आप लोगों को दिखाए हैं ये भी आप लोगों ने देखने हैं। और ये 2022-23 में तो मैं ख़ुद प्रैक्टिकल ये लेने गया था और वहाँ पे ही हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डिस्कस भी की थी। केमिस्ट्री 10 न्यू प्रैक्टिकल पेपर है, ये अलग प्रैक्टिकल पेपर है। इसके बाद ये वाला प्रैक्टिकल है, इंपॉर्टेंट मेजर प्रैक्टिकल्स मैंने सॉल्व कराए हुए हैं, माइनर प्रैक्टिकल सॉल्व कराए हुए हैं। ये वीडियोज़ आप लोग देखोगे आप लोगों के लिए बनाई हुई हैं, न्यू प्रैक्टिकल पेपर और इंपॉर्टेंट माइनर एक्सपेरिमेंट, सेचूरेटेड अनसेचूरेटेड वाला, और ये जो भी लिस्ट में है इसके मुताबिक आप लोगों ने ये करने हैं। उम्मीद है आप लोगों का सारा जो सर दर्द है सारी टेंशन है वो उतर गई होगी। इसी तरह आप लोग के क्लास 10 के फिजिक्स सारी चीज़ों के अपलोडेड हैं, मैं इनको अपलोड दोबारा भी करूँगा, लेकिन जो बच्चे जल्दबाज हैं वो अभी जाके इनको यहाँ से देख लो। अपना आप लोगों ने बहुत सा ख्याल रखना है, उम्मीद है आप लोगों का प्रैक्टिकल पहला अच्छा होगा, बाकी सारी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, टेंशन नहीं लेने का। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।